हेलो स्टूडेंट जय स्वामी नारायण। टुडे वी कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 3 बिल्डिंग प्लानिंग एंड वर्किंग ड्राइंग्स। इन दैट आवर टॉपिक इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द बिल्डिंग प्लानिंग। ओके, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द बिल्डिंग प्लानिंग आर सिलेक्शन ऑफ द साइट, बिल्डिंग बायलॉस, ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिल्डिंग एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ द साइट फॉर अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए कौन सी साइट हमें चूज करनी चाहिए? तो द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कैप्ट इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग ए साइट फॉर अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। इट शुड बी ऑन फैली लेवल ग्राउंड। हमें साइट ऐसे सिलेक्ट करनी चाहिए जिसका ग्राउंड लेवल है वो यूनिफॉर्म हो, लेवल हो। ओके, इट शुड बी लोकेटेड ऑन ए डेवलप्ड और फास्ट डेवलपिंग लोकेलिटी। वो कहाँ पे होना चाहिए, वो जो भी साइट है वो कहाँ पे होनी चाहिए? तो जो भी डेवलप्ड एरिया है और डेवलप हो रहा है, फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है जिस एरिया में, वहाँ से वहाँ होना चाहिए। टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द एरिया ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ द साइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्लोपी साइट है, ओके, देन अंडुलेटिंग साइट है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? लेवलिंग, जो भी एरिया है, जो भी ग्राउंड है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल करना पड़ेगा। ओके, और वहाँ पे आजू बाजू, फॉर एग्जाम्पल साइट है, वहाँ पे टोपोग्राफिकल फीचर्स है, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टोपोग्राफिकल फीचर्स रिलेटेड टू द टोपोग्राफी, दैट मीन्स हिली एरिया है, वो फीचर्स भी जो भी हम साइट सिलेक्ट करते हैं उस पर इफेक्ट करता है। और दूसरा इसके रिलेटेड ये भी है कि टोपोग्राफिकल फीचर्स में क्या आता है, अंडुलेशन, रिलेटेड टू अंडुलेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द टोपोग्राफिकल फीचर्स। द साइट शुड हैव ए गुड लैंडस्केप सो एज टू प्रमोट द हेल्दी एंड पीसफुल लिविंग। ओके, द साइट शुड बी ऑन एन एलिवेटेड लैंड सो एज टू हैव ईजी सरफेस ड्रेनेज। तो आपकी साइट कहाँ पे होनी चाहिए? एलिवेटेड लैंड पे होनी चाहिए, जिससे ईजी सरफेस ड्रेनेज जो भी है वो ईजीली हो सके। वहाँ पे पानी भर, वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एलिवेटेड लैंड पे आपने कोई भी प्लॉट खरीदा नहीं है, जहाँ पे आपने आपकी जो भी लैंड प्लॉट है वो एलिवेटेड लैंड पे नहीं है, तो क्या होगा? ड्यू टू रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन क्या होगा, पानी वहाँ पे भर जाएगा। ओके, तो हम जो भी साइट सिलेक्ट करते हैं वो एलिवेटेड लैंड पे होने चाहिए। द साइट शुड बी वेल कनेक्टेड बाय द रोड्स, बाईपास, सर्विस लैंड एक्सेट्रा। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्या, वो जो भी साइट हम सेलेक्ट करते हैं वो रोड्स, बाईपास और सर्विस लाइन्स जो भी है उससे कनेक्टेड होना चाहिए। दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स वगैरह जो भी है वो कनेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल गांव में आप देखोगे तो वहाँ पे ऐसा रोड वगैरह बना नहीं होता, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए साइट ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे रोड, बाईपास और सर्विस लाइन्स जो भी है वो अवेलेबल होना चाहिए। ओके, सर्विस लाइन यानी क्या, एक जगह से दूसरी जगह पे हम जा सके। ओके, बाईपास रोड होना चाहिए, दैट मीन्स सर्विस लाइन और बाईपास जो भी है। बाईपास लाइन का मतलब क्या है कि जो भी हम एक एरिया में से दूसरे एरिया में जाना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा चार रोड है, अलग अलग डायरेक्शन है, चारों डायरेक्शन में अलग जा रहा है, बीच में सर्कल प्रोवाइड किया है, तो एक एरिया में से दूसरे एरिया में जा सके, दैट इज कॉल्ड बाईपास लेन। एंड सर्विस लेन यानी क्या कि जो भी आप कोई एरिया में या सोसाइटी में जा रहे हो, तो साइड में एक छोटा सा रोड जैसा प्रोवाइड किया होता है जिससे वो आप इजीली वो एरिया में जा सको। ओके, दैट मीन्स एरिया में से कोई सोसाइटी में जाना है कोई, तो दैट इज सर्विस लेन, यानी साइड में छोटा सा रोड प्रोवाइड किया। फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज की बात करें तो मेन आप रोड देख सकते हो, वहाँ पे एक सर्कल है, दैट इज कॉल्ड राजस्थान हॉस्पिटल सर्कल। तो आपको गांधीनगर जाना हो, इंदिरा ब्रिज जाना हो,
ओके, तो उसके लिए अलग अलग, देन रिंग रोड जाना हो तो अलग अलग डायरेक्शंस दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड बाईपास। एंड सर्विस लेन यानी क्या, देखो हम कॉलेज में से मेन रोड पे से एक साइड में रोड प्रोवाइड किया है हमारे कॉलेज के बाहर, ओके, दैट इज कॉल्ड सर्विस लेन। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट सिविस एमिनिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिक सप्लाई, ड्रेनेज, सीवर्स, टेलीफोन लाइन्स एक्सेट्रा आर अवेलेबल एट साइट। द साइट शुड हैव नियर बाय फैसिलिटीज ऑफ द कम्युनिटी सर्विसेज सच एज स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, शॉपिंग सेंटर, पोस्ट ऑफिस, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो साइट हमें ऐसे सेलेक्ट करनी चाहिए वहाँ से स्कूल नज़दीक हो, हेल्थ सेंटर नज़दीक हो, शॉपिंग सेंटर, पोस्ट ऑफिस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो, वो ऐसे साइट हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। द साइट शुड बी अवे फ्रॉम द किल्स, क्वारीज, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंजस्टेड एंड नॉइसी लोकेलिटीज़। तो साइट हमें इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जहाँ पे है, कंजस्टेड एरिया, नॉइजी लोकेलिटीज है, उससे थोड़ा दूर होना जो ये चाहिए, ऐसा साइट हमें दूर हो, ऐसा साइट हमें सेलेक्ट करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग बायलॉज। द बिल्डिंग बायलॉज आर डिफाइंड एज स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन डिजाइंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इन द एरिया। तो आप कौन सी रूम की साइज होनी चाहिए, ओके, मिनिमम एरिया कौन कितना होना चाहिए, ओके, ओवरऑल प्लॉट में आप कितना एरिया यूज कर सकते हो, दैट इज इंक्लूडेड इन द बिल्डिंग बायलॉज। देन रूम की हाइट कितनी रखनी है, ओके, देन लाइट प्लान कितना रखना है, तो इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन बिल्डिंग बायलॉज। बिल्डिंग बायलॉज आर डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन डिजाइन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स इन द एरिया। बिफोर स्टार्टिंग द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ अ बिल्डिंग वन मस्ट हैव द प्रायर नॉलेज ऑफ द बायलॉज ऑफ द एरिया। तो आपको कोई भी प्लान करना है तो आपको बिल्डिंग बायलॉज का नॉलेज होना चाहिए। दिस बायलॉज आर फ्रेम्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कमेटी एक्सेट्रा, कीपिंग इन माइंड द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बिल्डिंग कोड IS 1256 1967 टू गाइड द प्लानर्स टू डिजाइन द प्रपोज बिल्डिंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर। द प्लान्स ऑफ द प्रपोज बिल्डिंग्स आर टू बी प्रिपेयर एज पर द बायलॉज विच आर चेक्ड एंड अप्रूव्ड बाय द लोकल अथॉरिटी। ओके, तो प्लान्स ऑफ टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द बायलॉज। आपको क्या करना है, जो भी आपको बिल्डिंग बायलॉज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी बिल्डिंग प्लान करना है तो आपको क्या होना चाहिए, बिल्डिंग बायलॉज का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ओके, उसके बाद आप क्या करो, उसको प्लानिंग करो। प्लान करने के बाद उसको चेक्ड और अप्रूव करवाना पड़ता है बाय लोकल अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई प्लॉट है तो प्लॉट में अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग बायलॉज आपको कोई भी बिल्डिंग प्लान करना है। प्लान करने के बाद उसको चेक विचार चेक और अप्रूव, चेक होता है वो जो भी आपने प्लानिंग किया वो चेक होता है, और अप्रूव होता है कहाँ पे, लोकल अथॉरिटी जो भी है वहाँ पे, और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, और यहाँ पे अहमदाबाद में उड़ा ओडा, वहाँ पे चेक होता है दिस। फिर आफ्टर दैट अप्रूवल आप कोई भी अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग प्लानिंग आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो। दिस बिल्डिंग लॉज डिफर फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट एंड अवॉइड हैपहैज़र्ड डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड द हेल्थ, कंफर्ट एंड सोसाइटी टू द यूजर्स। बिल्डिंग बायलॉज का मतलब क्या है कि हैपहैज़र्ड वे से जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ओके, तो वो नहीं होगा। बिल्डिंग बायलॉज ध्यान में रख के आप कोई भी प्लानिंग करोगे तो क्या होगा, जो हैपहैज़र्ड डेवलपमेंट हो रहा है बिल्डिंग का वो नहीं होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हेल्थ, कंफर्ट और सेफ्टी प्रोवाइड होगा यूजर्स को। ओके, और जो बिल्डिंग बायलॉज है स्टेट बाय स्टेट अलग होता है, डिफरेंट होता है। ओके, बिल्ट अप एरिया। द टोटल एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग इमीडिएटली अबाउट द प्लिंथ लेवल दैट इज ग्राउंड फ्लोर इज नोन एज बिल्ट अप एरिया।
ओके द अबाव द एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग इमिडिएटली अबाव द प्लिंथ लेवल. प्लिंथ लेवल के ऊपर जो भी एरिया है दैट इज कॉल्ड ग्राउंड फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर में जो भी एरिया कवर हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज बिल्टअप एरिया. बिल्टअप एरिया ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू द प्लॉट एरिया माइनस द एरिया ड्यू फॉर ओपन स्पेसेस. ओके तो प्लॉट एरिया जो भी है, प्लॉट एरिया में से जो भी हमने ओपन स्पेसेस डिडक्ट किया दैट इज डिडक्ट करने के बाद जो भी एरिया आया दैट इज कॉल्ड बिल्टअप एरिया. ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग. द वर्ड ओरिएंटेशन मीन्स टू गिव द प्रॉपर डायरेक्शन टू द बिल्डिंग सो दैट इट गेन्स द गिफ्ट्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज रेन सन एयर एक्सेट्रा टू ए ग्रेट एक्सटेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. दैट मीन्स हम मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर सके इस तरह से हमें बिल्डिंग का ओरिएंटेशन करना है. ओके नेचुरल जो भी गिफ्ट है फॉर एग्जाम्पल रेन है सन है एयर है वो उसका हम नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है वो हम उसका बेनिफिट ले सके इस तरह से हमें ओरिएंटेशन करना है. द सेटिंग ऑफ द प्लान ऑफ ए बिल्डिंग ऑन इट्स साइड्स विद रेफरेंस टू द डायरेक्शन इज नोन एज द ओरिएंटेशन एंड इट प्लेस अ ग्रेट रोल इन इंक्रीजिंग इट्स यूटिलिटी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्लाइमेट कंडीशन. क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से हम उसका जो भी नेचुरल रिसोर्सेस का यूज कर सके उस तरह से हमें बिल्डिंग का ओरिएंटेशन करना है. प्रॉपरली ओरिएंटेड बिल्डिंग गेट्स द रिजनेबल अमाउंट ऑफ एयर एंड लाइट. हमने प्रॉपर प्लानिंग किया होगा तो हमें एयर और लाइट कई बार आप देखते हो प्रॉपर एयर और लाइट मिलेगा. ओके कई बार आप कोई बिल्डिंग में जाते हो तो वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होता है देन एयर और लाइट बिल्डिंग में नहीं आ रहे हो दैट इज कॉल्ड बैड प्लानिंग. तो दैट मीन्स ओरिएंटेशन में कुछ गड़बड़ है इसीलिए वहाँ पे अंधेरा रहता है बिल्डिंग में लाइट प्रॉपर नहीं आती है एयर सर्कुलेशन नहीं होता है सफोकेशन होता है तो उसके लिए हमें ओरिएंटेशन प्रॉपर करना पड़ता है. वी नो दैट इंडिया इज कंट्री वेयर समर सीजन हैज़ द लॉन्गेस्ट स्पैन ऑफ अबाउट 8 मंथ एज सच इट इज़ हॉट कंट्री विद द एबंडेंट ऑफ लाइट. So the building exposed to the sun gets heated in day and remain hot for most of the night. That means India में क्या है जो भी building हम plan करते हैं उसका longer phase जो है वो summer 8 month तक रहता है और उसका जो भी longer phase है building का वो in इस direction हमें नहीं रखना है. ओके हमें शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल जो भी है ओके शॉर्टर वॉल है वो हमें ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में रखना है और लॉन्गर वॉल है वो हमें नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रखना है. क्यों ऐसा रखना है बिकॉज जो भी सनरेज डायरेक्ट पड़ेंगे दीवार पे जो भी वॉल है वो जो भी सनलाइट की वजह से जो भी वॉल है वो हीट होती है गर्म होती है तो फॉर एग्जांपल शॉर्ट वॉल हम उसकी डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में रखेंगे तो जो भी रूम है वो थोड़ा ठंडा रहेगा गर्म नहीं रहेगा. फॉर एग्जांपल हमने लॉन्ग वॉल है वो लॉन्ग वॉल इस डायरेक्शन में ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में रखा तो क्या होगा पूरा वॉल गर्म होगा उसकी वजह से जो भी अंदर हीट है रूम पूरा गर्म लगेगा आपको. ओके इसीलिए हमें जो भी सो द बिल्डिंग एक्सपोज टू द सन गेट्स हीटेड इन द डे एंड रिमेन हॉट फॉर मोस्ट ऑफ द नाइट. ओके समर सीजन जो भी है कंट्री में हमारे कंट्री में वो 8 मंथ्स तक है इसीलिए हम कोई भी बिल्डिंग प्लान करते हैं तो ये क्राइटेरिया हमें ध्यान में रखना है कि लॉन्ग वॉल है वो कौन सी डायरेक्शन में हुआ क्या वो हम आगे देखेंगे. So the building exposed to the sun gets heated in day and remain hot for the most of the night. If the place lies in the hot zone, it is better to place the shorter walls facing east or west. आपको शॉर्ट वॉल्स की डायरेक्शन में रखनी है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में रखनी है. इन दिस केस लेस हीट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय द वॉल. तो शॉर्टर वॉल आपने रखी इसीलिए जो भी हीट है वो लेस एब्सॉर्ब होगी दैट मीन्स कम एब्सॉर्ब होगी हीट. सो द अंदर का जो भी टेम्परेचर है वो थोड़ा ठंडा रहेगा
हीट एब्जॉर्ब बहुत हो नहीं रही है, इसकी वजह से अंदर का रूम का जो टेम्परेचर और बिल्डिंग का टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहेगा। इन दिस केस द लेस हीट विल बी एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स, बट द वॉल्स विल रिसीव मोर हीट इफ द लॉन्गर वॉल्स आर फेसिंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस एज इफ द प्लेस इज सिचुएटेड इन कोल्ड जोन द हाउस हैज टू बी ओरिएंटेड इन सच ए वे दैट इट गेट्स सन रेज फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द डे। इफ द प्लेस इज सिचुएटेड इन कोल्ड जोन द हाउस हैज टू बी ओरिएंटेड इन सच ए वे दैट इट गेट्स सन रेज फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द डे। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड जोन में आपका प्लेस है और आपको कोल्ड जोन में हाउस कंस्ट्रक्ट करना है तो उसका उल्टा होगा। तो आपको क्या है, जो भी लॉन्गर वॉल है वो किस डायरेक्शन में रखनी है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में रखनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको सन रेज वगैरह मिलेगा, आपको सन रेज वगैरह मिले उस तरीके से आपको अरेंज करना है। जो भी फर्स्ट हमने इंडिया इंडिया में जिस तरह से प्लानिंग किया है कि भाई प्लानिंग करते हैं बिल्डिंग्स जिसमें शॉर्टर वॉल ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, तो कोल्डर जोन में उसका उल्टा, दैट मीन्स जो भी लॉन्गर वॉल है वो किस डायरेक्शन में रखना है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में रखना है। द ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग शुड बी सच दैट इट अलाउज वेदर नाइदर एक्सेसिव नॉर डेफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर एंड लाइट टू एंटर द बिल्डिंग। फॉलोइंग आर द सजेशंस फॉर द गुड ओरिएंटेशन। इफ द ग्राउंड सराउंडिंग द बिल्डिंग इज प्रोवाइडेड विथ ग्रास और ट्रीज और वेजिटेशन, इट विल कंसिडरेबली हेल्प इन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर इन साइड द बिल्डिंग। तो आप जो भी मकान है, जो भी बिल्डिंग है, उसके आसपास आप ग्रास ट्रीज और वेजिटेशन करो, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी रूम का जो भी हमारे बिल्डिंग का टेम्परेचर है वो कम रहेगा। द बिल्डिंग्स यूजुअली साउथ वेस्ट टू कैच द ब्रीज विच ब्लोज इन समर इन दैट डायरेक्शन। तो आपको बिल्डिंग्स किस डायरेक्ट, यूजुअली साउथ वेस्ट टू कैच, बिल्डिंग आपको कैसे रख, बिल्डिंग में रूम्स का अरेंजमेंट कैसे करना है, तो बिल्डिंग्स यूजुअली साउथ वेस्ट में डायरेक्शन को ध्यान में रख के आपको बिल्डिंग समर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप बेडरूम वगैरह जो भी रूम्स का अरेंजमेंट करते हो तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे रूम्स अरेंज करो जिससे हमें जो भी समर में जो भी नेचुरल ब्रीज वगैरह मिलता है विच ब्लोज इन समर इन दैट डायरेक्शन, दैट मीन्स समर जो भी हमें ठंडा पवन आता है और नेचुरल ब्रीज जो भी मिलता है वो हम समर में यूटिलाइज कर सके, इसीलिए हमें रूम्स का अरेंजमेंट भी ऐसे करना है। दैट इज कॉल्ड एस्पेक्ट, जो हम आगे हमने पढ़ा कि भाई एस्पेक्ट दैट मीन्स व्हाट, द डिफरेंट रूम्स है, फॉर एग्जांपल लिविंग रूम है, किचन है, डाइनिंग रूम है, वो हम किस डायरेक्शन में अरेंज करें। ओके, तो उसमें सब में डायरेक्शन दिया है, उस हिसाब से हमें प्लानिंग करना है जिससे हम नेचुरल ब्रीज है जो समर में ब्लो होता है और समर में जो मिलता है हमें उसका हम आनंद उठा सके। सफिशियंट नंबर ऑफ द विंडोज एंड वेंटिलेटर्स एट सुटेबल लेवल फ्रॉम द फ्लोर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द सफिशियंट लाइट एंड मूवमेंट ऑफ द एयर। तो आपको विंडोज और वेंटिलेटर सफिशियंट नंबर का, दैट मीन्स जो भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल रूम साइज बड़ी है तो उसमें उस तरीके से आप डोर्स विंडोज प्रोवाइड कर सको, प्रोवाइड करो और ऐसे लेवल पे प्रोवाइड करो जिससे मूवमेंट ऑफ लाइट और एयर हो सके। ओके, आपको लाइट जो भी जितना भी जरूर है उतना मिले और एयर सर्कुलेशन प्रॉपर रहे इसीलिए। इफ द प्रोजेक्शंस ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट साइड इन द फॉर्म ऑफ वरंडास बालकनीज विदर शेड्स। आप प्रोजेक्शन ईस्ट और इन फॉर्म ऑफ बालकनीज आप प्रोजेक्शन रखते हो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वरंडा बालकनीज वेदर शेड आप जो भी रखते हो उससे क्या होगा, द जॉइनिंग रूम रिमेन कंपैरेटिवली
कूल, बिकॉज जो भी आपने वेदर शेयर रखा है उसकी वजह से वहाँ पे सनलाइट नहीं आएगी, सन रेज नहीं पड़ेंगे, उसकी वजह से अंदर जो भी बालकनी वेदर शेड और वरांडा के साथ अटैच जो भी रूम्स है वो थोड़ा ठंडा रहेगा। ओके, इट इज़ डिजायरेबल टू प्रोवाइड द डीपीसी एट सूटेबल लेवल टू कीप अवे वॉल्स फ्रॉम द डैम्प एंड मॉइस्चर। जो भी हम वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डीपीसी हमें प्रोवाइड करना है वॉल में, बिकॉज डीपीसी प्रोवाइड करने से क्या होगा, डीपीसी दैट मीन्स डैम प्रूफ कोर्स, वो प्रोवाइड करने से क्या होगा, वॉल में जो भी पानी आता है और मॉइस्चर आता है ओके वो तो वो उसके वजह से मॉइस्चर आने की वजह से क्या होता है, जो भी वॉल का कलर वगैरह और प्लास्टर वगैरह जो भी लगाया होता है वो निकल जाता है। ओके, तो हमें हमें डीपीसी वॉल में प्रोवाइड करना चाहिए। जनरली कहाँ पे प्रोवाइड होता है, बिलो प्लिंथ लेवल डीपीसी प्रोवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड डैम प्रूफ कोर्स। आरसीसी फ्लैट रूफ शुड बी प्रोवाइडेड विथ डैम प्रूफिंग ट्रीटमेंट एंड पिच रूफ शुड कंटेन वैली गटर्स, ओवरहंग हैंगिंग केव्स एक्सेट्रा, देन ड्रेनिंग रेन वाटर। ओके, तो आरसीसी फ्लैट रूफ शुड बी प्रोवाइडेड विद डैम प्रूफिंग ट्रीटमेंट। डैम प्रूफिंग ट्रीटमेंट दैट मीन्स पानी नीचे आना नहीं चाहिए। ओके, दैट मीन्स जो टेरेस है तो टेरेस में आप रूफ में ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करो जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी पानी नीचे आ रहा है फ्लोर में स्लैब में होते हुए नीचे जो आ रहा है वो पानी उतरना नहीं चाहिए। ओके, टेरेस में से स्लैब में पानी आना नहीं चाहिए। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीच रूफ और डैम प्रूफ जो भी आरसीसी फ्लैट रूफ है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो गटर्स, ओवर हैंगिंग कैव्स एक्सेट्रा, ड्रेनिंग रेन वाटर। ओके, तो रेन वाटर को ड्रेन करने के लिए आपने देखा होगा टेरेस में स्लोप प्रोवाइड किया है, ड्रेनेज पाइप लगाया होता है और दैट इज कॉल्ड गटर्स देन ओवर हैंगिंग के एव्स। वो सब क्यों प्रोवाइड किया है, तो जो भी टेरेस में पानी ड्यू टू रेनफॉल जमा होता है और प्रेसिपिटेशन जमा होता है तो वो ईजीली निकल जाए। ओके, द ओवर हैंगिंग ऑफ द रूफ ऑन द साउथ एंड वेस्ट साइड विल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द वॉल्स फ्रॉम द रेन। देन रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिल्डिंग, द बिल्डिंग शुड बी ड्यूरेबल स्टेबल टू टेक अप द लोड्स एक्टिंग ऑन इट, इट शुड बी स्ट्रांग टू विदस्टैंड द इम्पैक्ट्स ऑफ एटमोसफियर एनवायरमेंट अर्थक्वेक। बिल्डिंग ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए कि जो भी एटमोसफियर एनवायरमेंट और अर्थक्वेक की जो भी इफेक्ट होती है उस पर ना हो। ओके, वो क्या है, इजीली जो भी इफेक्ट हो रही उसकी वजह से उस बिल्डिंग में कोई इफेक्ट ना हो उस तरह से वो स्ट्रांग होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द मैक्सिमम लिविंग एंड वर्किंग कम्फर्ट्स। बिल्डिंग शुड बी सफिशेंटली वेंटिलेटेड एंड फ्री फ्रॉम डैम्पनेस। ग्रुपिंग ऑफ द रूम शुड बी सो प्लांट एज टू एंश्योर द सर्कुलेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस। द सर्कुलेशन ऑफ द बिल्डिंग एज ए होल शुड बी प्लांट इन सच ए वे सो एज टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द नेचुरल गिफ्ट ऑफ द सनलाइट एंड एयर। तो आपको प्लानिंग ऐसा करना चाहिए कि उसमें एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ओके, और नेचुरल गिफ्ट जो भी आपको मिल रही है दैट इज कॉल्ड सनलाइट और एयर, तो उस तरीके से प्लानिंग करो जिसकी जिसकी वजह से आपको जो भी नेचुरल गिफ्ट सनलाइट और एयर की मिल रही है वो मिले। ओके, नंबर ऑफ द डोर्स एंड विंडोज शुड बी सफिशियंट एंड लोकेटेड इन सच ए वे दैट दे शुड प्रोवाइड इनफ लाइट एंड एयर। वाइल प्लानिंग ए बिल्डिंग पीपल एंड द रिक्वायरमेंट शुड बी गिवन प्रॉपर वेटेज। द बिल्डिंग शुड सेफ अगेंस्ट द फायर हैजार्ड ओवर एंड अबाउ द बिल्डिंग शुड बी सेफ अगेंस्ट थेफ्ट एंड बर्गलरीज। ओके, द बिल्डिंग फायर हैजार्ड्स वगैरह से सेफ होना चाहिए और जो भी थेफ्ट वगैरह से भी अगेन इज थेफ्ट इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द थेफ्ट और बल्गेरी। देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो फर्स्ट ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री मेजर एरियाज। फर्स्ट वन इज लिविंग एरिया, सेकेंड वन इज सर्विस एरिया एंड
थर्ड वन इज सर्विस एरिया, फर्स्ट वन इज लिविंग एरिया, सेकेंड वन इज शिपिंग एरिया एंड थर्ड वन इज सर्विस एरिया. लिविंग एरिया, दिस एरिया इज फॉर जनरल यूज. इट इंक्लूड्स द ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, हैंस दे शुड बी प्लांट नियर द एंट्रेंस. स्लीपिंग एरिया, दिस एरिया प्रोवाइड्स द बेडरूम्स फॉर द स्लीपिंग एंड रिलैक्सिंग. दे मे बी और नॉट मे बी विथ अटैच बाथ एंड डब्ल्यू सी. दे शुड बी लोकेटेड सो एज टू मेंटेन द प्राइवेसी. सर्विस एरिया, दिस एरिया इंक्लूड्स द किचन, डाइनिंग रूम, बाथरूम, डब्ल्यू सी. अदर रूम सच एज ऑफिस, पूजा रूम, स्टडी रूम एक्सेट्रा मे बी सुटेबल लोकेटेड नियर द लिविंग रूम, बेडरूम और किचन. द एडिशन टू दिस वरांडा पैसेजेस, स्टेयरकेस ऑल्सो प्रोवाइडेड विच अलाउ इजी एक्सेस टू डिफरेंट रूम्स. तो आपको क्या है, पैसेज वरांडा वगैरह प्रोवाइड करना है जिससे एक रूम में से दूसरे रूम में जा सके और इजी एक्सेस टू डिफरेंट रूम्स मेंटेनिंग देयर प्राइवेसी. All three areas and rooms are designed taking into consideration the purpose for which the each room will be used. The purpose decides the size, location, size of the windows, furniture, etc. Purpose decides the size, location, size of the windows, furniture, etc. The plan is more of an art than a perfect science. Hence, the ideal conditions mentioned above are not always possible, but an engineer is supported to use this knowledge in fulfilling the needs of the owner with due consideration for economy, bylaws, the type of family, and their requirements. Okay, thank you.